मेरी बात सुनियो, तुम्हारी पतंग तो कमाल की है। हाँ बिल्कुल, ये मेरे डैड फ्रांस से लेकर आए हैं, ये बहुत ही खास पतंग है ध्यान। अरे वाह डोरेमोन, चलो पतंग उड़ाने चलते हैं। डोरेमोन यहाँ नहीं है। हाँ तुम यहाँ मेरे सामने हो, चलो ना चलते हैं। ओह नहीं बाहर बहुत ठंड है। अब ऐसा मत बोलो डोरेमोन, चलो। मैं एक रोबोट कैट हूँ, मुझे ठंड पसंद नहीं है, समझे तुम? म्याओ। चलो ना मेरे साथ। मुझे नहीं आना। ये तुमने क्यों किया? पता नहीं सर्दियाँ वापस क्यों आ जाती है। अच्छा अगर तुम्हें इतनी ठंड लगती है तो उसका तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बोलो, तुम डरपोक हो। नहीं नहीं मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं ठंड का सामना करूँगा, समझे तुम? ये बात हुई ना डोरेमोन। बहुत शर्म की बात है। सुनो तुम्हारे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं जिससे तुम ठंड का सामना कर सको? हाँ हाँ मेरे पास है, ठंड झेलने की शक्ति बढ़ाने वाला बैंड। ये तो बहुत बढ़िया है, जरा इसे मेरे सर पर लगा दो, इसके बाद अगर मैं ठंड या सर्दी जैसा कोई शब्द बोलूं तो पतंगे अच्छे से उड़ रही है। वो इसीलिए क्योंकि आज बहुत हवा चल रही है। अरे नोबिता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पतंग उड़ानी आती है? बिल्कुल नहीं आती जियान, वो तो यहाँ पर हमें पतंग उड़ाते देखने आया है। अच्छा अभी दिखाता हूँ, डोरेमोन इसे पकड़ो जरा, मैं जा रहा हूँ। तो तुम तैयार हो ना? ठीक है ये लो। ये अच्छा, आज तो बहुत नहीं बोलूंगा। मैं तो थक गया, मुझे पसीना भी आ रहा है। हाँ, आज बहुत गर्मी है ना? हाँ आज बहुत गर्मी है। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, पसीना पोंछने के लिए टिश्यू पेपर तो दे दो। अच्छा ये लो। अरे ये क्या? सुनो घर चलते हैं, आज बहुत गर्मी है। नहीं नहीं फिर हम यहाँ आए ही क्यों हैं डोरेमोन, हम थोड़ी देर के बाद घर जाएंगे, समझ गए? फिर तुम वापस उड़ा लेना।
अरे सुनियो, वो देखो वहाँ नोबिता की पतंग तो फट गई है। बेचारा नोबिता, उसको कुछ भी नहीं आता, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कुछ और मजेदार ढूंढता हूँ। ये तो आम पतंग लग रही है। ये पतंग ग्रेविटी के असर को बिल्कुल खत्म कर देती है। अगर तुम इसके ऊपर पैर रखोगे तो इसकी बजाय तुम हवा में उड़ने लगोगे। अरे वाह, कमाल है। सुनो जियान, मुझे ठंड लग रही है, चलो घर चलते हैं। हाँ सुनियो, वैसे भी अब बहुत ठंडी हवा चल रही है। अरे इसे क्या हुआ? मैं बताती हूँ, पता है ये सब ठंड की वजह से हो रहा है। अरे क्या कहा? ठंड बोलते ही डोरेमोन का बैंड और ज्यादा टाइट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें ठंड का नाम नहीं लेना है, क्योंकि ठंड से डोरेमोन को तकलीफ होती है। माफ करना, तुम लोग समझ गए ना? सुनो जियान, मुझे सुपरमार्केट जाना है, क्योंकि मुझे कुछ चिली सॉस खरीदनी है, चलोगे तुम? अरे हाँ, मैं भी वहाँ से चिली सॉस लूँगा। मैं वहाँ से ठंडी आइसक्रीम भी खरीदूँगा। बस करो। मार्केट जाने की बात से वो कैसे भाग गया है ना? हमने तो बस मजाक किया था। मुझे ये लगाना ही नहीं चाहिए था। चलो हमें भी घर चलना चाहिए। चलो बच्चों आ जाओ, सब लोग इस तरफ चलेंगे। चलो चलो पैदल चलो, पैदल चलने से ठंड नहीं लगती। चलो चलो पैदल चलो। बहुत ठंड है बेटा, अब जल्दी से इस ठंडे सेब को काट लीजिए। हमें जल्दी से बैंड उतारना होगा। जल्दी, हम घर आ गए। तुम्हारा स्वागत है बेटा, आज तो बाहर बहुत। जी हाँ, ये करें जुकाम का काम। ये तुम कर क्या रहे हो नोबिता? इस तरफ आइए मॉम। मॉम, डोरेमोन के ऊपर बैंड लगा है, आपस ठंड मत बोलना। पता नहीं वो बैंड कैसे उतरेगा। अगर हम उसे गर्म कर दें तो वो शायद ढीला होकर उतर जाएगा। देखो मेरे पास क्या है, वेदर कैन। मेरे पास हर मौसम का एक अलग कैन है, जिसे खोलने से 8 घंटे के लिए इसके अंदर का मौसम बाहर आ जाएगा। हम ये गर्मियों वाला कैन खोलेंगे और इससे बहुत गर्मी हो जाएगी। समझ गया, इससे तुम अपना बैंड गर्म कर पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ देता हूँ, अपना बैंड आराम से गर्म कर लेना। मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। मैं बहुत ध्यान से गर्मियों वाला कैन ही खोलूंगा ताकि गर्मी हो जाए। ये मैंने क्या कर दिया? वरना ये खतरनाक होगा। पता नहीं मैंने ये बैंड पहना ही क्यों था।
हमें पतंग उड़ाने में कितना मजा आया था ना। तुम्हें अभी पतंग उड़ाने की पड़ी है। ये क्या? 3 घंटे पूरे हो गए हैं रोबिता। बधाई हो डोरेमोन। मैं ऐसी चीज फिर दोबारा कभी नहीं पहनूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। ये। अचानक से मेरा नूडल्स खाने का मन करने लगा और हमारे परिवार में कहा जाता है कि जिस चीज का मन करे वो चीज फौरन करनी चाहिए और उसके बाद हम फौरन नूडल्स खाने के लिए निकल पड़े। वो फ्राइडे का दिन था और फिर मैंने जबरदस्त नूडल्स खाए दोस्तों। क्या कमाल का स्वाद था, शब्दों में बता भी नहीं सकता मैं दोस्तों। मुझे यकीन है वो बहुत अच्छा होगा। फिर हमने सैटरडे और संडे को स्कीइंग का मजा भी लिया था। वहाँ की बर्फ कमाल की है, वहाँ स्की करने का मजा ही कुछ और है। अरे मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम्हें नहीं हो रही नोबिता? कुछ खास नहीं, मेरे पास इस सब का समय नहीं है। नोबिता, जो तुमने अभी कहा क्या वो सच है? तुम्हारी ग्रेड देखो शुरू से ही खराब थी और अब वो और नीचे जा रही है, और अगर तुम्हारे कल कम नंबर आए तो तुम्हें फिर से 5वीं क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सुना तुमने? नामुमकिन है, पता नहीं कल मेरे अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। नोबिता मेरे दोस्त जियान, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अब डोरेमोन के पास जाकर उसे होकाइडो जाने के लिए कहोगे, है ना? और इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही। नहीं नहीं, मुझे कल के टेस्ट की तैयारी करनी है जियान। मैं बहुत परेशान हूँ डोरेमोन। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। इसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, अगर ये सही से नहीं हुआ तो इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। रुको, वही रुको, रुको। ये क्या है? ये विश पूरी करने की मशीन है। विश पूरी करने की मशीन? हाँ, ये मशीन कोई भी विश पूरी कर देती है। क्यों है ना मजेदार? ये मुझे दे दो ना प्लीज। मैं नहीं दूंगा, मैंने अभी इससे विश मांगी है कि मुझे ढेर सारे डोरा केक्स मिले, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरी विश पूरी होगी या फिर नहीं। काश मेरी विश पूरी हो जाए और मुझे डोरा केक्स मिल जाए। भैया देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। इतना बड़ा डोरा केक, ये सब क्या है? हमारी मोहल्ले में दुकान वाले ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे बड़ा डोरा केक बनाया और उसके बाद उसे पता नहीं था कि वह इसका क्या करे, तो मैं ये आपके लिए लेकर आ गई। मैंने ठीक किया ना? पर मैं इसे कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा डोरेमी। ऐसा है तो मैं इसे वापस ले जाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं खा लूंगा, ये तो बहुत छोटा सा डोरा केक है। खा लोगे तो ठीक है, मैं इसे खा कर ही रहूंगा। इतना खा लिया कि हिल भी नहीं पा रहा। वैसे ये बहुत कमाल की मशीन है, देखते हैं। नहीं, रुको रुको रुको, नोबिता तुम उसे खराब कर दोगे। रुक जाओ नोबिता, छोड़ दो उसे। शायद ये स्टार्ट करने का बटन है। तो बताइए आपकी क्या विश है? अरे वाह, लगता है अब मेरी विश पूरी हो जाएगी। मेरे गैजेट को हाथ मत लगाओ। जल्दी बताइए मैं आपकी क्या विश पूरी करूं? सोचने दो। नोबिता मेरे दोस्त। हाँ जियान की पिटाई करो खूब अच्छे से। पूरी तरह से बताइए आपका पिटाई से क्या मतलब है? मैं उसे अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा, मैं जाकर देखता हूँ। नोबिता रुको, इस गैजेट को रोको।
स्केटिंग करते हुए अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। अजीब बात है, ये क्या हुआ? अरे ध्यान से जी यार, हटो। बाल बाल बच गए। जियान तू ठीक हो? नोबिता, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ये तो मेरे साथ ही कुछ बुरा हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इस गैजेट को चलाना नहीं आता है। शायद मैंने इसे ठीक से घुमाया नहीं था। अगली बार ध्यान से करूँगा। प्लीज उसे मत छुओ ना। ध्यान से ठीक है। तो बताइए आपकी क्या विश है? मैं कुछ टेस्टी खाना चाहता हूँ। हो सके तो मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाना चाहता हूँ। मीटर को हल्का सेट करता हूँ। ठीक है। बोलिए नोबी रेजिडेंस। अरे आप बोल रहे हैं? देखो सुनो, बहुत गड़बड़ हो गई है, मेरा ट्रांसफर हो गया है। क्या ट्रांसफर? हमें दूसरे शहर में जाना होगा आज ही। कमाल हो गया। मैंने सामान शिफ्ट करने वाले को बोल दिया है। चलो जल्दी करो, हमें ट्रक में सामान लोड करना है। अरे नहीं, हम आज ही कैसे यहाँ से जा सकते हैं? जल्दी करो। अब क्या करें? चाहता। मैंने तो सिर्फ बाहर खाना खाने की बात की थी, घर शिफ्ट करने की नहीं की थी। ठीक है। हाँ, क्या कहा आपने? ट्रांसफर कैंसिल हो गया। चलो वापस चले। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। इस गैजेट को चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। नोबिता, देखो तुम्हारी आंटी ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है। समझ गया, मेरी विश पूरी हो गई। मुझे एक और विश पूरी करनी थी। अब तो तुम खुश हो गए हो ना? अब मेरे इस गैजेट को हाथ भी मत लगाना, समझे तुम? अगर कल तुम्हारे कम नंबर आए तो फिर से तुम्हें पांचवी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, सुना तुमने? अरे हाँ याद आया। बस एक और, चाहे जो हो जाए, बस एक विश और मांगूंगा। कौन सी विश? बताइए आपकी क्या विश है? जल्दी बोलो। मैं कल का टेस्ट नहीं देना चाहता, तुम मेरी ये विश पूरी कर दो। ये गलत है। तो आप कल का टेस्ट नहीं देना चाहते? हाँ, कुछ ऐसा करो कि मैं कल का टेस्ट दे ही नहीं पाऊँ। ठीक है। पता नहीं ये वाली विश कैसे पूरी होगी, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। अरे हाँ, बिना पूछे मेरी पॉकेट को हाथ मत लगाओ नोबिता, क्या कर रहे हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ कल मेरी विश कैसे पूरी होगी। आज हमारे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ गया है और इस तूफान की वजह से शहर की काफी इमारतें गिर गई हैं और बहुत से लोग बेघर हो गए हैं और इसी के साथ साथ स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी तहस नहस हो गए हैं। और स्कूल वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, कुछ हल्के फुल्के से करो, मुझे तो बस टेस्ट ही नहीं देना है ना। ठीक है। हाँ,
मैंने मीटर कम पर सेट किया था, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा। अगर मुझे कल टेस्ट देना पड़ गया तो मैं किसी भी तरह अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा। नोबिता उठो! पता है कितने बच्चे हैं? तुम लेट हो गए हो। मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। पूरे कपड़े को पहन कर जाओ। तुम अब आए हो? टेस्ट खत्म भी हो चुका है, अब तुम यहीं पर ही खड़े रहो।